गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोर ऑन एक्सेल। मतलब आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसका पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। टेबल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम टेबल कैसे बनाएंगे और टेबल पहले होती क्या है हम वो पढ़ेंगे। इन एक्सेल आर टेबल इज अ स्पेशल डिजाइन रेंज ऑफ नंबर। ये क्या है? रेंज ऑफ नंबर। This special range of number has added functionality that other cell reference do not have. You can have more than table. You have more than one table in a workbook or worksheet. जो हमारी workbook होती है, या तो वर्कबुक बोलो या वर्कशीट बोलो। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो हमें एक वर्कबुक में शीट है वो शीट देता है। ठीक है, एंड टेबल कैन जो ए और बी है
रोज और कॉलम में काम किया जाता है, इसलिए इसको स्प्रेडशीट वर्क एरिया कहा जाता है। ये दो तीन पॉइंट्स हैं एक्सेल के, तो ये आपको जो है वो याद होने चाहिए। सम एक्सेल फीचर लाइक फिल्टर एंड फाइबर टेबल विल नॉट वर्क करेक्टली इफ द डेटा इज नॉट ब्लॉक टूगेदर इन एडजस्टमेंट कॉलम्स एज अ टेबल। ठीक है, आई बात समझ में कि जो टेबल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो क्या है, कॉलम्स से बनाए गए कॉलम्स और रोज से बनती है टेबल। ठीक है, और हम एक और एक से ज्यादा जो है वो टेबल्स बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इन एक्सेल आ टेबल इज अ स्पेशली डिजाइंड रेंज ऑफ नंबर। दिस स्पेशल रेंज ऑफ नंबर हैज एडेड फंक्शनैलिटी दैट अदर सेल रेंज डू नॉट हैव। यू कैन हैव मोर देन वन टेबल इन अ वर्कबुक और वर्कशीट इफ यू वांट, एंड टेबल कैन बी एज लार्ज और स्मॉल एज द अमाउंट ऑफ डेटा यू वॉन्ट टू वर्क विद। ठीक है, नॉर्मली अ टेबल इज मेड फ्रॉम एडजस्टेंट कॉलम्स ऑफ डेटा विद अ यूनिक लेबल और हेडिंग फॉर ईच कॉलम। ठीक है, this will display a menu।
जो हमारा टेबल है हम उसकी रेंज कैसे चेंज कर सकते हैं। मेथड वन, यूज द स्मॉल ब्लू मूव हैंडल एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल। हम जब टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है आप जो माउस का जो पॉइंटर का रखोगे तो रेंज आ जाती है। ठीक है, पोजिशन योर माउस ऑन टॉप ऑफ द मूव हैंडल देन होल्ड डाउन योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द मूव हैंडल एंड इनसाइड द टेबल। सिंपल है, माउस को पकड़ के रखो, ठीक है, कीज को, और उसको एक साइड से दूसरे साइड मूव करा सकते हो। फिर हमारे पास मेथड टू भी आता है, क्लिक ऑन The contextual design tab appear। जब भी आप टेबल पे क्लिक करोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑप्शन बार जो है ऊपर शो हो जाता है। The contextual design tab appear above the ribbon area of the screen। This contain option for working with your table। जिसमें आप अपने टेबल को डुप्लीकेट कन्वर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, हेडर, टोटल, बैंडेड कॉलम्स की बॉर्डर लगाना, इस तरीके से जो आप कर सकते हो। टेबल की स्टाइल्स आ जाते हैं इन द प्रॉपर्टी ग्रुप, क्लिक रिसाइज टेबल बटन, द रिसाइज टेबल टेबल में काम कर रहे होते हैं। मान लो हमारे पास सीरियल नंबर है, एक कॉलम, एक नेम है और दूसरा आप ले लो मार्क्स ले लो, लेकिन आपको अपने टेबल में मिडल में एक जगह कॉलम को इंसर्ट कराना है तो आप वो कैसे कराओगे? टू ऐड अ कॉलम टू द टेबल, जहां यू कैन ऑल्सो क्विकली एड एडिशनल कॉलम टू योर टेबल बाई क्लिकिंग अ सेल टू द इमीडिएट राइट ऑफ द टेबल एंड देन एंटरिंग डेटा इन टू द सेल। ठीक है, अब हमने कॉलम तो इंसर्ट करा लिए, अब हम ऐसे ही रोज को भी इंसर्ट करा सकते हैं। Table row above from the submenu। Simple।
ठीक है। अब हमारे पास टेबल है और अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। टू क्रिएटिंग अ टेबल टोटल रो। If you are working with a table in Excel 2010 and you click on a table cell, a contextual table tool tab should appear containing a design ribbon. Select the design ribbon. In the table style option group, check the box labeled total row. This will display another row at the bottom of the table with the word total in the first cell. Select a cell in the total row and a drop down arrow will appear. Choose a function type from the drop down list to apply to the particular column of data. तो अगर हमें अपनी रो में टोटल को इंसर्ट कराना है तो आप जो है वो सिंपली जो है आप या तो वैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट से करा सकते हो इफ यू ड्रैग द मूव हैंडल्स टू लेंथ द टेबल द रो विल स्टे एट द बॉटम If you enter any new data into the table, the value is the total row cell will be recalculated accordingly. If you want to change what the display in the total row, you can click on any cell in the row and choose another option from the drop down list. Okay? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चेंजिंग द टेबल पेज कैसे करेंगे, इसमें हम इंसर्ट कॉलम कैसे करेंगे और ऐसे ही जो है रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमें बताना है कि क्रिएटिंग अ टेबल टोटल रो, टोटल जो है रो का वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट, ये हमें फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, फॉर्मूलास भी प्रोवाइड करता है। अगर हमें अपने टेबल पे कहीं कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन पुट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ऑटो सम का हमें फॉर्मूला हमें जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारा मोर ऑन एक्सेल। याद रखना जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो जो है वो स्प्रेडशीट वर्क एरिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रोज और कॉलम में